चलिए जी स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग वगैरह देखते हैं। आज की क्लास का हमारा एजेंडा है ऑडिट के एलिमेंट्स। आज की क्लास में जो डायग्राम बनेगी, ये डायग्राम हमारी आखिरी जो क्लास होगी ऑडिट की उसमें भी बन रही होगी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सुन रहे हैं। हम आगे जितने टॉपिक पढ़ रहे होंगे मेजॉरिटी टॉपिक इस डायग्राम से कवर हो रहे होंगे, इस डायग्राम से। और ये है क्या, ये ऑडिट के, ये ऑडिट के एलिमेंट्स है, ये ऑडिट के एलिमेंट्स हैं क्या। मैं सिर्फ उसको फिलहाल जॉट डाउन कर रहा हूँ और फिर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसको समझने की कोशिश करता है। सबसे अच्छा नोट नहीं करना है, किसी ने भी इसको नोट नहीं करना है, सुकून से बस आपने मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है। आप लोगों से कितने लोगों ने पोर्टल देख लिया है, मैंने पोर्टल कुछ लिंक्स वगैरह डाल देता है, कितने लोगों ने देखा है वो पोर्टल यार, वो देख तो देना यार, सही है। कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरे मैसेज इग्नोर करेंगे आगे जाकर मैं आपके मैसेज इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो अगर एक चीज बता रहा हूँ तो कोई फजूल की बात नहीं होगी, वो आप लोगों के भलाई की बात होगी। वो पोर्टल आप एक बार देख लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर वन लेक्चर टू नहीं आ रहा होगा, अगर आज की क्लास है तो तला साहब कितनी जगह चीजों में टूट रहा होगा, वो पहला एक ओरिएंटेशन उसका एक पार्ट आ रहा होगा, अगला जो हम इस टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑडिट एलिमेंट्स उसका पार्ट आ रहा होगा, तीसरा हमने कोई सवाल किया होगा पास्ट पेपर का उसकी हेडिंग आ रही होगी, अगर हमने आज की क्लास में इंशाल्लाह आईसीडब्ल्यू का सवाल करेंगे उसका एक पार्ट आ रहा होगा। तो इस तरीके से लेक्चर्स क्या हो रहे होंगे, टूट रहे होंगे। इसी तरीके से ऑडिट सॉफ्टवेयर है, एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपसे बातें करता है, आप उसको कहेंगे कि यार ये वाला मसला है, ये सिनेरियो, वो आपको जवाब देना स्टार्ट करेगा, उस तरीके से डिजाइन हुआ है, वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि पोर्टल की प्रेजेंटेशन किस तरीके से। क्लियर हो गया सारे यहाँ तक? इनकेस अगर कोई क्लासेस मिस हो जाए, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बैठ के प्रोजेक्टर पे नहीं पढ़ा रहा, पहले से डायग्राम बना के नहीं रख रहा, एक एक स्टेप में आप, तो मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी फिजिकल क्लासेस अटेंड करें। ये आगे 3-3.5 साल अगर आपने अपने सेव करना है और उसके लिए अगर मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ, तो प्यारे बच्चों आपने भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सही है ना। वो इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े, वो अब समझ में आती है बातें, मतलब वो जो आज 1400 साल पहले एक बात कही गई थी उसकी रेलिवेंस हमें आज समझ आ रही होती है कि यार वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था। कि अगर हम कुरान भी देखें तो जो पहला लफ्ज है वो इकरा है, सही है ना। तो वो इस चीज को थोड़ा, ये तो आपकी रूटीन का, आपकी अगर आप अपने पूरे 12-24 घंटे की जिंदगी में 8-10-15 घंटे नहीं सीख रहे, इल्म हासिल नहीं कर रहे, आप बहुत पीछे रह रहे हैं, खुदा का वास्ता इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास हमारा पर्पस है ऑडिट के एलिमेंट्स। आज की क्लास में हमने सिर्फ इन 5 वर्ड्स को पढ़ना है। पहला वर्ड थ्री पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा FSFS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा IFRS, चौथा, पांचवा ऑडिटर की रिपोर्ट या ऑडिटर की ओपिनियन। ये 5 अल्फाज हमने आज की क्लास में थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक हो गया, उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली हमने समझने की कोशिश करनी है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक बंदा है, ये लेट से एक बंदा है, ठीक है, और ये बंदा आप ये एज्यूम कर लें
ठेला लगा के बैठा हुआ है, ठेला समझते हो, ऐसा ही है। ये बंदा एक ठेला लगा के बैठा हुआ है और ये करता क्या है, ये बंदा सुबह 9-10 बजे ठेला खोलता है, अपना सामान बेचता है, पैसे आते हैं, कुछ घर पे देता है, कुछ लेके जाता है, कुछ सप्लायर को देता है, ये काम इसका अगले दिन जाता है माल खरीद के आता है, सप्लायर को पैसे देता है, फिर माल बेचता है, ये इसका इसका एक काम है। क्लियर है सारे यहाँ पे? ये बंदा कौन है? इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आया, इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट 18th सेंचुरी से पहले तो नहीं था, इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ। जब इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ, फ्लैट से ये बंदा गुलशन की एक गली में, गुलशन इकबाल की एक गली में ठेला लगा के बैठा हुआ, इसने सोचा मैं भी तो अपने बिजनेस को क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक जल्दी 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 मैं एक अच्छा कंपनी क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमारे अगली क्लास इंशाल्लाह लॉ क्यों, इसमें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस बंदे ने क्या करा, एक कंपनी बनाई। अच्छा कंपनी बनाने का मकसद क्या था इसका, इसका कंपनी बनाने का मकसद ऐसा था कि यार मैं अपने आप को लिमिट गुलशन की गली में क्यों करूं, मैं तो चंडीगढ़ रोड में भी मेरी एक ब्रांच होनी चाहिए, हाँ मेरी तो लंदन में भी एक ब्रांच होनी चाहिए, मेरी तो कतर में भी एक ब्रांच होनी चाहिए। इस बंदे ने एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के लिए ऐसे के पास गया, सारा प्रोसीजर। मुझे एक बात बताए, क्या ये बंदा एक वक्त में इन सारी ब्रांचेस में मौजूद हो सकता है? नेशनल बैंक की 1200 ब्रांचेस है, तो जो नेशनल बैंक का शेयर होल्डर है, लेट से ये हबीब बैंक लिमिटेड है, तो जो हबीब साहब थे जिन्होंने ये बैंक बनाया था, क्या वो हबीब बैंक 1200 ब्रांचेस में मौजूद हो सकते हैं? क्या वो 1200 ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं? क्या वो 1200 ब्रांचेस को लोन डिसबर्स करना, लोन लेना, पैसे लेना, अकाउंटिंग करना, क्या ये सारे काम कर सकते हैं? इस बंदे को किसकी जरूरत पड़ी जल्दी छेती छेती? इसको जरूरत पड़ी डायरेक्टर्स की, जो कि इसके बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करे। क्या डायरेक्टर, इतनी सारी ब्रांचेस ने, डायरेक्टर्स को किसकी जरूरत पड़ी? मैनेजमेंट की। तभी अगर आप देखा, सबसे पहले शेयर होल्डर होता है, उसके नीचे डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर के नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, तभी तो लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर होगा उसको हमेशा कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर, सही हो? फिर नीचे CFOs वगैरह, फिर CFOs को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर। इस तरीके से आपकी पूरी एक डायग्राम चलती रहती है, यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, डायरेक्टर ने मैनेजमेंट को अपॉइंट कर। अब ये वो लोग हैं जो इस बंदे का बिजनेस चला, अच्छा बिजनेस चला रहे हो, और अगर आपने एक्सपेंड करना है तो इसका मतलब है आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस बंदे ने कुछ पैसे लगाए, वो क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। कितने रुपए लगाए? 100 रुपए। कितने रुपए लगाए? 100 रुपए। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, तो पहली ट्रांजेक्शन तो ये भी, बैंक में पैसा आया 100 रुपए शेयर कैपिटल, और अब इनसे कहा गया कि भाई चले अब आप क्या खरीदे, प्लांट खरीदे, जगह खरीदे, लोगों को खरीदे, और मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करें। क्या यहां तक बात समझ आती है? और ये शेयर होल्डर अब साइड में हो गए, डर हो गया यहां तक। ये किसको रिपोर्टेबल है? शेयर होल्डर। तो क्या व्हाट्सएप करेंगे? तभी एक कॉन्सेप्ट है कि हर साल एक मीटिंग होगी जिसका नाम क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग, और उसमें ये मैटर्स हमारे सारे क्या हो रहे होंगे, डिस्कस। सुनिएगा प्यारे बच्चों मेरी बात। अब ये बंदे बैठ के बिजनेस किसका कर रहे हैं? प्यारे बच्चों, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा, मेरे पास कुछ अदर रेवेन्यूज आ रहे होंगे, मेरे पास कुछ अदर एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ। मैं कुछ नंबर्स लिखना स्टार्ट करता हूं।
रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए का और एक्सपेंसेस आ रहे हैं कितने के 150 के। कितने का नुकसान हो गया 50 का 50। इट मींस शेयर होल्डर ने जो 100 रुपए लगाए हुए थे इसके नीचे अब एक लाइन आ जाएगी किस चीज की एक्युमुलेटेड लॉसेस की और ये एक्युमुलेटेड लॉसेस कितने हो गए 50 के। इट मींस इसकी इक्विटी इसके 100 रुपए को मैंने कितने कर दिए 50 रुपए कर दिए। बच्चों ये चीज क्या है जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज क्या है? वहां डायग्राम देख रहे हो मुझे जवाब दे रहे जल्दी ये चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये चीज क्या है? फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, बैलेंस शीट, पीएनएल पूरे तो नहीं बना रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ। अच्छा अब जो ये डायरेक्टर्स है और अब जो ये मैनेजमेंट है अब ये कह रहे हैं यार मेरी तो ऐसा भी नहीं कि शेयर होल्डर के मुंह नहीं लगना, कंपनी बनी है तो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा। फॉलो में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी, हर साल होगी और उससे 21 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा और उस नोटिस के अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। तो 21 दिन पहले शेयर होल्डर के सामने ये एफएस प्रेजेंट होना चाहिए। आप सोचे शेयर होल्डर उनकी कितनी क्लास लेंगे। तो इन लोगों ने सोचा हम इस दुनिया में क्यों आए, ये दो बंदे इस दुनिया में क्यों है भाई? हाँ ये दो बंदे इस दुनिया में इस दुनिया का मतलब ये नहीं वो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, इस दुनिया का मतलब ऑडिट की दुनिया में क्यों आए, ऑडिट की दुनिया में क्यों आए? ये दो बंदे ऑडिट की दुनिया में इसलिए आए बिकॉज इनको पता है कि शेयर होल्डर पूरा बिजनेस संभाल नहीं सकता। तो जब वो पूरा बिजनेस ही संभाल सकता तो मैं इसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। और कैसे मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है लैंड से, मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है लैंड से कितने रुपए की 100 रुपए की। कितने की आ रही है 100। मैं कहता हूं मैं इस इन्वेंट्री को 20 रुपए ऐड करके कितनी कर देता हूँ 120। ये 100 रुपए क्यों आ रही थी? ये 100 रुपए इसलिए आ रही थी बिकॉज इसकी जो कॉस्ट थी वो कितने रुपए थी 120। लेकिन ये इन्वेंट्री क्या हो चुकी थी? इंपेयर्ड हो चुकी थी। तो इंपेयरमेंट कितने की रिकॉर्ड करनी पड़ी 20 की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री कितने की आएगी जल्दी छेदी छेदी 100 रुपए की। तो इन्वेंट्री कितने की आ रही थी 100 रुपए की। इसने कहा अच्छा ये एक्सपेंस 20 रुपए का यहाँ पे शामिल होगा, जल्दी जवाब दे दो ये एक्सपेंस 20 रुपए का यहाँ पे शामिल होगा। तो इसने फौरन से कहा दफा करो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करते। वो कौन सा वेयर हाउस में जाके इन्वेंट्री चेक कर लेगा? वो कौन सा शेयर होल्डर जाके वेयर हाउस में? इसने प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं, इसने इन्वेंटरी को 20 रुपए से बढ़ाया मतलब इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। इसका मतलब है मेरा लॉस भी 20 रुपए से क्या हो गया? कम हो गया। मैं माइनस लिख रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात। इसी तरीके से इसने कहा ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये भी कितने के आ रहे हैं 120 के। मैं एक एग्जांपल और एक ही नंबर लिख रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है 120 रुपए में से कितने पैसे नहीं मिलेंगे 20 रुपए नहीं मिलेंगे। ये तो मुझे लगता है ना, ये तो मुझे पता है ना। किसको नहीं पता? शेयर होल्डर को। यार अकाउंट रिसीवेबल को भी कितने पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 120 पे। जो 20 रुपए का बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स करते हैं, लॉस मेरा मजीद कितने से कम हो गया 20 रुपए से। सुनिएगा मेरी बातों को प्यारे बच्चों, ये जो कंपनी कर रही है सही कर रही है? सुनिएगा। अच्छा मैंने कहा ये जो पीपी है ये भी कितने रुपए का आ रहा है? ये लेट से मेरे पास आ रहा है 200 रुपए का। पीपी मेरे पास कितने का आ रहा है? और मैंने कहा इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो गया जल्दी 40 रुपए। मैंने कहा 40 रुपए का डेप्रिसिएशन कहां पे मौजूद है? एक्सपेंसेस पे। इट मींस पीपी कितने पे आ रहा होगा जल्दी से बता दे कितने पे आ रहा होगा 160 पे। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? पीपी कितने पे आ रहा होगा 160 पे। क्यों ना एक काम करता हूं 5 साल की यूजफुल लाइफ को 50 साल कर देते। अच्छी कैलकुलेशन आसान रहेगी ना, 1 0 यहां से हटा देते 1 0 यहां से हटा देते सही है। तो इसका मतलब है अब पीपी कितने पे आ रहा होगा प्यारे बच्चों जल्दी से बता दे 196 पे। कहा 40 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और कहा 4 रुपए का। इसने 36 रुपए से लॉसेस को क्या कर दिया? और कम कर दिया प्यारे बच्चों का। यहां तक बात समझ आ रही है? दोस्त क्लियर हम सारे यहाँ पे। फिर इसने कहा रेवेन्यू, ये जो कस्टमर है इसने मुझे ऑर्डर
दे दिया है, मैंने अभी तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है, मैंने अभी तक गुड डिलीवर। शेयर होल्डर को क्या पता क्यों ना वो वाला रेवेन्यू भी आज ही रिकॉर्ड कर लूं, कितने से रिकॉर्ड कर लूं, 50 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेता हूं, वो रेवेन्यू जो कि अकर्ड नहीं हुआ, वो चीज जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। प्यारे बच्चों, मैंने 50 रुपए से अपने लॉसेस को और कम कर दिया, मुझे बताएं मेरा प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट होके कितने पे आ गया? हाँ जी, 76 का प्रॉफिट। शेयर होल्डर ने कितने पैसे लगाए थे? मैंने क्या कहा उसको, कितने? मैंने कहा मैंने आपके 100 रुपए को कितने पे कर दिया है? 176 पे कर दिया है। प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता सुनने की कोशिश करेगा, क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब 21 दिन पहले उसके पास गए, उसने कहा यार जबरदस्त है, तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जबरदस्त काम कर रही है, चलिए जी इनको हम क्या ऑफर करते हैं, इनको बोनसेस देते हैं, इनकी सैलरीज बढ़ाते हैं, इन्हीं डायरेक्टर को एजीएम में वापस से अपॉइंट करूंगा। हाँ, डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय दी शेड्यूल, मैं इन्हीं को अपॉइंट करूंगा, मेरे 100 रुपए को 176 रुपए करके दिए, सुनिएगा मेरी बात। और फिर 1 साल बाद 2 साल बाद क्या ये वाकई में नंबर्स ठीक है? प्यारे बच्चों, ये नंबर्स ठीक नहीं है, 1-2 साल बाद बम फटेगा और वो हैस्कॉल वाला सीन हो जाएगा। सही, 1-2 साल बाद बम फटेगा और ये हैस्कॉल वाला सीन हो जाएगा कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपने बैंक के पास गिरवी रखवाया है, वो प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट ही नहीं करते, लोन लेके बैठे हुए, अब बैंक वाला चौड़े में जा रहा है, तेरा प्लांट बेचूंगा है ही नहीं। शुगर इंडस्ट्री में क्या हुआ? शुगर इंडस्ट्री में हुआ, बैंकों ने शुगर्स को लोन दिया, तो पूरा फॉरेंसिक असाइनमेंट हुआ था, बैंकों ने शुगर्स को लोन दिया और कहा देखे क्या खरीदेंगे, चीनी गिरवी रखवाए, कल को आप पैसे ना पे कर सके तो मैं आपकी चीनी बेच दू। आपको सबको पता है ना चीनियों का काम कौन करता है ना, हमारे घर में सारे बड़े लोग करते, हम खाते हैं, सिर्फ खाते हैं, बाकी असल खाने वाले दो लोग ऐसे ही ना, इसके अंदर सारे शामिल जी। डिफॉल्ट किया, उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी तेरी चिनिया बेच दूंगा। वेयर हाउस में गए, मैं आपको बता नहीं सकता कॉन्फिडेंशियली किन किन लोगों के नाम थे, वेयर हाउस में गए, चीनी ही नहीं है, और आपने गिरवी किसको रखवाया हुआ था? चीनी को गिरवी रखवाया, समझ रहे मेरी बात को, और कौन कौन बंदा मिला हुआ था, कैसे मिला हुआ था? बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैंने कुछ आपको ट्रीटमेंट्स बताई, मैंने 20 रुपए से इन्वेंट्री बढ़ा दी, चलिए सही है, क्यों? ये क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके हिसाब से बनते हैं? मैंने जितनी हरकतें करी यहाँ पे, मैंने जितनी हरकतें करी, प्यारे बच्चों आपके जहन में एक चीज चल रही होगी कि ये गलत हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके बैकएंड पे क्या चल रहा होगा, ये जितनी भी चीजें एफएस में आती है उसके बैकएंड पे कोई ना कोई आईएफआरएस होता है, अगर इन्वेंट्री है तो किसके हिसाब से रिकॉर्ड होनी चाहिए? इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एक आईएफआरएस लोग कहता है रिसीवेबल किसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर आपके पास पीपी आ रहा है तो पीपी के बैक एंड पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा जो कि IAS 16 एंड IAS 16 एंड IAS 36 इंपेयरमेंट मैंने जैसे ही यहाँ पे ये हरकतें करी, आपने कहा सर यूजफुल लाइफ तो चेंज करी है, ये तो चेंज नहीं कर सकते अनलेस सर्कमस्टेंसेस चेंज हो आपके, मैंने यहाँ पे रेवेन्यू में 50 रुपए का रेवेन्यू वो रिकॉर्ड कर लिया, आपके जहन में फॉरन अल्फाज क्या है सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई, ये वर्ड कहां से सीखा आपने? प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? शेयर होल्डर। उसने किसको अपॉइंट किया? उसने उसने सबसे पहले किसको अपॉइंट किया? प्यारे बच्चों डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, यहां तक बात समझ आती है? डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को जब अपॉइंट करा
सुनिएगा बड़े गौर से सुनिए, उन्होंने एक अदद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? ठीक है, आपको सही लग रहा है? मुझे एक बात बताएं, अब इस दुनिया में तीसरा बंदा कौन आएगा? डायग्राम देखनी हो जवाब देना, अब इस दुनिया में तीसरा बंदा कौन आएगा? और खुदा का वास्ता है, लॉजिकल बात करूंगा, ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट एज पर कंपनीज एक्ट किसके पास है? समझ आ रहा है शेयरहोल्डर का वर्ड क्यों लिखा हुआ है? इसी वजह से शेयरहोल्डर का वर्ड लिखा है, बिकॉज अगर डायरेक्टर और मैनेजमेंट ही दो नंबरी कर रहे हैं और अपनी मर्जी का ऑडिटर लेके आ जाएंगे तो दो नंबरी तो तभी शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो किसको अपॉइंट करेगा, वो ऑडिटर को अपॉइंट। तभी कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है कि जी ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करेंगे, शेयर होल्डर हैज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर। क्यों? ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर किस चीज का एविडेंस लेगा? किस चीज की? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बने हैं? और जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर एक रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट किसको देगा? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। क्या ये पांच एलिमेंट्स अब आपके समझ में आते हैं? क्लियर हम सारे यहाँ तक? अच्छा, बैकग्राउंड समझ आ गया कि वो डायग्राम है जो हम आखिरी क्लास में बना रहे हैं। अगली क्लास में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायग्राम लास्ट में। डन हो गया, ये डायग्राम क्लियर है प्यारे बच्चों? दो मिनट दे रहा हूं इस डायग्राम को नोट कर लो। यस, लो चला वॉल्यूम थोड़ा सा देख लिया, बोला नहीं चाहता। सॉरी, ऑडिट में 90% मैं पढ़ाऊंगा, 90 से 95% तक मैं पढ़ाऊंगा। दो से तीन टॉपिक्स हैं वो मैं नहीं पढ़ाता, सही है, बिकॉज वो मुझसे अच्छा कोई और पढ़ा सकते हैं तो वो पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे उसके ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं जो किसी जमाने में मैंने पढ़ाए थे, जमाना समझा ये नहीं, 10-15 साल पहले, वो मैं शेयर कर लेता हूँ, फिर उनको मैं वर्कशॉप्स वगैरह में वापस से पढ़ूंगा। 90-92% मैं आपको बता देता हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट टॉपिक होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सही है ना, ऐसे 230 एक डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ मिसलिनियस एरियाज हैं वो मैं नॉर्मली नहीं पढ़ाऊंगा। सर डॉक्टर करेगा तो ऑडिटर के ऊपर भी काम होगा, आईकैप का जो कोड ऑफ एथिक्स है, लाइसेंस तो कैंसिल वो बहुत दूर की बात है, तो देखे ना यार, ये तो वो कानून है जो कि आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है, बट ये जो आप बातें कर रहे हैं तो अल्लाह का कानून है ना, तो खुदा का कानून है, ये तो अच्छाई बुरा, ये तो आप तो पैदा होते साथ ही हमें ये सिखाई गई है, अगर आप है ही ऐसे दो नंबर है और हरामी है, हाँ, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो दुनिया के कानून लेकर आ जाए, दुनिया के लॉस लेकर आ जाए, कोई इस चीज का फायदा कभी भी नहीं होगा, सही। तो ये तो हमारी अपने बेसिक इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज है। हम आगे जाके कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे कि आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उसके शेयर्स नहीं ले सकते। मुझे पता है शेयर प्राइस बढ़ रही है, मैं अपने, अच्छा मैं नहीं ले सकता, मेरे चाचा तो ले सकते, तो मैं अपने चाचा को बता दूं कि भाई आप तो पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या ये आपका जमीर इस चीज की इजाजत आपको दे रहा है? मतलब ये वाली फिर एक बात आती है, पकड़ा तो नहीं जाएगा। वैसे हजार चीजें आप मुझसे पूछना चाहे, अकाउंटिंग की हो, टैक्स की हो, लॉ की हो, हजार टेक्निक तो मैं आपको बता दूंगा, पकड़े नहीं जाएंगे, जमीर इजाजत नहीं देता ना। एक छोटा सा वाक्य सुन, मेरा कजन था भाइयों का जैसा, भाइयों जैसा इतना कि आप समझे कि मैंने जो थोड़ा बहुत सी कर लिया ना वो शख्स की वजह से किया, मुझे कुछ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था यार, क्लास में ऐसे ही बैठा रहता था, एक अल्फाज मुझे कोई समझ आया हो ना कभी मुझे समझ नहीं आता था, जैसे बिल्कुल ही निकम्मा, जरा वो मुझे लेके बैठता था। इंटर में फर्स्ट पोजिशन थी इसकी, आखिर कॉलेज में उसका सीनियर ने साथ किया, उसके पास कुछ अच्छा, मैं फॉर्म में कंटिन्यू करी मैंने अपनी आर्टिकलशिप, मतलब मैंने आर्टिकलशिप और फॉर्म में, उसने इंडस्ट्री पैसे ज्यादा होता है उस जमाने में, उसके भी 1-1.5 लाख की सैलरी और हम 25,000 कमा रहे थे ना उस वक्त, तो उसकी सेविंग्स हुई, तो
उसने एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी, क्या ये अमाउंट है 30-40 लाख रुपए की, इन्वेस्ट करता हूँ 40 लाख की अमाउंट है इन्वेस्ट करता हूँ, 3 महीने बाद शादी है तो 40 लाख 45 लाख हो जाएंगे, तो खाना पीना बॉल बॉल 5 लाख में निकल जाएगा। बदकिस्मती ये भी कि उसकी 2 दिन बाद शादी है या 3 दिन बाद शादी है, उसने पेमेंट कर दिया, वो 40 लाख के इन्वेस्टमेंट 25 लाख का शेयर्स, जिस मेजर कंपनी को उसने शेयर्स दिए थे उसका मैं ऑडिटर था, उसका मैं ऑडिटर था। आप सोचे मेरे भाइयों जैसा बन गया, भाइयों जैसा बन गया, मेरे घर आया लेकिन यार ये कर नहीं सकता। उसने बड़ी, और आप खुदा की कसम, ये लैपटॉप है, ये पड़ा हुआ है एफएस मेरे सामने, कंपनी की क्या पोजीशन है क्या पोजीशन नहीं मेरे सामने, सबको मेरे भाई जैसा बनता। लेकिन अगर मैं उसको उस कमरे में बता भी देता, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं था, मैं कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता था कि मैंने ये हरकत करी। बट ये मेरा, और ये जब आप तालीम हासिल करते हैं तो ये वो चीज है, और तालीम से पहले जो आपका आपकी जो परवरिश होती है ये चीजें वहां पे आप ऑटोमेटिकली सीख चुके। और आप यकीन करें मैंने नहीं बताया, फिर हमारे मामू है उनसे हमने पैसे भी उधार45 अरब रुपए के क्लियर हम सारे यहाँ तक। अच्छा बच्चों वो क्लियर है, एक डायग्राम बनाते हैं। आज मुझे खुद ब खुद आंसर कर सकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक रेडी हम सारे, बिल्कुल एक्टिव रहना है।